नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें निर्मला सीतारमण युवा, महिलाएं, किसान, हर वर्ग के लिए कई सौगातें लेकर आई। लेकिन महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास है वो जानना बेहद जरूरी है और बजट में महिलाओं पर फोकस भी किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हमें चार अलग अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पूर्ण बजट पेश करते हुए महिलाओं को कई तरह की सौगात दी है। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट में महिलाओं पर खास फोकस रखा गया और कई तरह की घोषणाएं की गई। कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है। चूंकि आमतौर पर देखा जाता है अपने छोटे बच्चों की वजह से महिलाएं कई बार नौकरी करना छोड़ देती है, जिसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है। महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 3 लाख करोड़ का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने आगे कई प्रकार की महिला केंद्रित योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशल युक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा वक्त में बड़ी संख्या में ऐसी कई महिलाएं हैं जो उपयुक्त कौशल न होने के अभाव में मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं कर पाती है, या अगर कर भी पाती है तो उन्हें मनचाहा वेतन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है, ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में अहम अपना योगदान दे सके। पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को पीएफ में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। सरकार बजट के दौरान युवा, किसान, गरीब और महिलाएं ऐसे वर्ग हैं जिनका विशेष ध्यान रखती है। महिला वर्ग को खुश करना सरकार का फर्ज है और सरकार का भी यही मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।